तो भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि खबरें हैं अनेक और आपके ऊपर आनंद की बारिश भी करनी है, गलत हो गया, लेकिन यू गेट माय पॉइंट कि रोस्ट फर्स्ट है और खबरें भी बतानी है क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस हफ्ते के रोस्ट फर्स्ट में आपको मिलेगा सेंट्री के कंफर्मेशन से लेकर डेयर डेविल वर्सेस पनिशर तक, शज़ाम के डायरेक्टर की नाराजगी से लेकर वंडर वुमन की सादगी तक, सब कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक अच्छी खबर से। अब मुझे पता नहीं कि अच्छी खबर है कि नहीं, लेकिन जितने भी उड़ते कबूतर हैं वो सब यही बोल रहे हैं। तो बेसिकली विक्टोरिया अलोंसो, अगर आप लोग इनके बारे में नहीं जानते, तो ये जितने भी मार्वल के प्रोजेक्ट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन मैन, तब से मार्वल के साथ जुड़ी हुई थी अभी तक, और अब ये मार्वल स्टूडियोज को एग्जिट कर चुकी हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज सपोज टू बी ए गुड न्यूज, क्योंकि इनका वर्क एथिक बहुत ही खतरनाक टाइप का था। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हुए आगे आए हैं कि जो अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं उनको आगे पुश कर दिया करती थी, और जिनके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं होते थे उनको वहीं पर रोक दिया करती थी। एंड इसी वजह से हमको थोड़े खराब VFX वाली चीजें देखने को मिल जाया करती थी, जो हम क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली चीज बोल रहे थे ना। तो हो सकता है कि इनके जाने से हमें मार्वल में अब वो चीजें देखने को ना मिले, लेकिन कंफर्म नहीं है कुछ भी। मैं जो सुना है वो आपको बता रहा, खबरी को गाली मत बकना, ठीक है। फिर इसके बाद डेविड एफ सैंडबर्ग, जो कि शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के डायरेक्टर हैं, वो काफी सारी चीजों से नाराज हैं। सबसे पहले तो मूवी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा बॉक्स ऑफिस पे, फिर इसके बाद रॉटन टोमेटोज पे उनको क्रिटिक्स का स्कोर अच्छा नहीं मिला। ऑडियंस स्कोर हालांकि काफी अच्छा है मूवी को लेकर, और मूवी को ना लोग काफी हार्शली जज कर रहे हैं। मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी, लेकिन इसके बाद भी उनको ऑनलाइन कई सारी चीजों के लिए ट्रोल किया जा रहा था, और उन्होंने इनिशियली तो ये बोल दिया कि भाई मुझे पता था कि मूवी किस तरह का परफॉर्म करेगी और इसीलिए मैंने अपना पेमेंट पहले ले लिया। वेरी स्मार्ट मूव, क्रिश्चियन बेल ने भी ये बोल दिया था, तो वो बाहर निकल गए। लेकिन फिर उसके बाद उनको ऑल ट्रोल करना शुरू कर दिया। रेडिट पे उनकी एक पोस्ट शेयर कर दी गई जिसमें ये बोला गया कि डायरेक्टर खुद जो है वो मूवी के लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन डेविड एफ सैंडबर्ग इससे और नाराज हो गए, फिर रेडिट से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाई मैं बता रहा हूं रेडिट वालों, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। दो बूंद जिंदगी की पियो, कभी मार्वल से दुश्मनी हो रही है, कभी शज़ाम के डायरेक्टर से दुश्मनी हो रही है, फिर पोस्ट डिलीट करनी पड़ रही है, कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, ऐसी हरकतें ठीक नहीं है। लेकिन ना इन सब चीजों में बुरी खबर भी निकल के आ जाती है, क्योंकि पर्सनली मुझे डेविड एफ सैंडबर्ग का काम काफी अच्छा लगा था, और इसी सब में उन्होंने ये भी शेयर किया कि अब हो गया सुपर हीरो जॉनर से, वो थक चुके हैं और अब वो कुछ समय अपने हॉरर वाले जॉनर में वापस जाना चाहते हैं, कुछ हॉरर मूवीज बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि फॉर नाउ ही इज डन विद शज़ाम एंड सुपर हीरो मूवीज, व्हिच इज एक्चुअली सैड टू हियर। लेकिन फिर इसको अगर दूसरे तरीके से सोच के देखा जाए, तो अभी जेम्स गन जो है सुपरमैन लेगेसी पे काम कर रहे हैं, जिसको बनते बनते 2025 हो जाएगा। इसके बाद उनकी गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की जो चैप्टर 1 है, उसके जो 10 प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस करे हुए हैं, उसमें शज़ाम का कोई भी मेंशन नहीं है, एंड प्रोबेबली शज़ाम को आने भी काफी टाइम लग जाएगा। तो मतलब टाइम वैसे भी था इनको आने, लेकिन हाँ, मैं डेविड एफ सैंडबर्ग को डीसी का ही कोई और प्रोजेक्ट डायरेक्ट करते हुए देखना चाहता था, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते ना, तो बंदे के अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल था भाई। ये कुछ बहुत अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ा, और जिस तरीके का माल जेम्स गन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसमें ये एकदम परफेक्टली फिट हो सकते थे। खैर लेट्स सी, जेम्स गन शायद इनको अभी भी कन्विंस कर ले, लेकिन आप जानते हो कौन कन्विंस नहीं हुआ है? बेन एफ्लेक। कुछ समय पहले तक हमें ये खबर सुनने को मिली थी कि बेन एफ्लेक जो है वो बैटमैन का प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब बैटमैन ब्रेव इन द बोल्ड, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जेम्स गन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गलत मत समझना, मैं जेम्स गन से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन वो डीसी के लिए कोई भी काम नहीं करने वाले। उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, और जब वो जस्टिस लीग के रीशूट्स कर रहे थे, तो वो अपने आप से ही सोचने लगे, अपने आप से ही पूछने लगे कि क्या मैं करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, और मैं इस चीज को नहीं करना चाहता। तो आई एम सॉरी बाबू, लेकिन मैं आपके लिए अब काम नहीं करूंगा। फिर इसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेकर एक न्यूज आई थी। इसमें ऐसा सुनने में आया था कि एक सीक्वेंस ऐसी होती जिसमें रिरी विलियम्स और शूरी जो है वो एक प्रिजन में फंस जाते, जो छोटी सी होती, और फिर वहां पे रिरी विलियम्स जो है वो कुछ स्क्रैप्स का इस्तेमाल करती, एक आर्मर बनाती मेकशिफ्ट टाइप का, और फिर उसी आर्मर का इस्तेमाल करके वो शूरी को वहां से बाहर निकाल लेती। लेकिन फिर इसको देखकर उन्होंने सोचा कि ये तो देखेला सुनेला लग रहा है, मतलब ये काम तो टोनी स्टार्क ने 12 साल पहले किया था ना, तो इसीलिए स्क्रैप वाले सीन को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया और हमें ये देखने को नहीं मिला। आई एम ग्लैड नहीं देखने को मिला। फिर इसके बाद गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ एक पिक्चर आई थी, अगर आप लोग नहीं जानते, तो बेसिकली गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, तो अभी अभी उसका सीक्वल पे काम चालू हो गया, जिसका नाम गोस्टबस्टर्स हेल्स किचन है।
डेयरडेविल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है बाय द वे, अगर आप लोग सोच रहे हो तो। और हाँ, बाय द वे 24 तारीख को जॉन विक रिलीज हो रही है, जिसको लेकर मैं बहुत गगनचुंबी लेवल का एक्साइटेड हूँ। तो जॉन विक को बहुत ही बढ़िया तरीके के रिव्यूज मिले और ऐसा बोला जा रहा है कि ये डेकेड में बनने वाली बेहतरीन तरीके की एक्शन मूवी है। तो इसी की स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना जो बन रही है उसमें जॉन विक का कैमियो कन्फर्म हो चुका है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि जॉन विक 4 में जॉन विक नहीं मरने वाले हैं। ये तो स्पॉइलर हो गया। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, जॉन विक 4 के बाद कियानू रीव्स और उसके डायरेक्टर ने ये बोल दिया है कि वो जॉन विक पे काम करने के बाद अब कुछ समय तक जॉन विक पे काम नहीं करने वाले। पिछले एक मिनट में कितनी बार जॉन विक बोल दिया मैंने। फिर इसके बाद एक थोड़ी सी सैड न्यूज है। तो बेसिकली लैंस रिडिक, जिनको आप शैरॉन के नाम से जानते होंगे जॉन विक में, वो सैडली पास्ड अवे। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज सामने आई है। तो बेसिकली सुपरमैन लेगेसी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस हमको पता लग चुका है और ये ना काफी बेसिक सा होने के बाद भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली कहानी सुपरमैन को फॉलो करेगी जो अपनी ह्यूमन हेरिटेज के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ट्रूथ, जस्टिस और जो अमेरिकन वे है उसका एक सिंबल है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो काइंडनेस को बहुत अच्छी तरह से नहीं देखती, मतलब कुल मिला के हमारी मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं। और देखो ये बहुत ही बेसिक सा टेक है सुपरमैन पे, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसी मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग सुपरमैन को कभी भी इमेजिन करके नहीं देखते। तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स गन इसको किस तरह से प्रेजेंट करके दिखाते हैं, और आगे जाके जब ये अथॉरिटी से कनेक्ट होगी फिर तो और भी मजा ही मजा। लेकिन इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि सोनी वाले जो एल मुर्टो की मूवी बना रहे हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, उसमें एना डी आर्मास को कन्फर्म कर दिया गया है। मतलब कन्फर्म तो कुछ भी नहीं होता है आज की दुनिया में, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। अब मैं इस पे पर्सनली थोड़ा सा डाइसी हूं, क्योंकि एना डी आर्मास को आप एल मुर्टो की पिक्चर में ले रहे हो, क्यों ऐसा, क्यों वेस्ट कर रहे हो उनको? वेनम में भी एक बार को लेके आ जाते तो समझ में आता है यार। लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, टॉम क्रूज का जलवा है। उन्होंने डेविड जसलाव को फोन किया और बोला कि मेरे को फ्लैश पिक्चर देखनी है। डेविड भाई ने कहा कि ठीक है दिखवा देते हैं। उन्होंने पिक्चर देखी, उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने उठाए सीधे एंडी मुशेट्टी को फोन घुमा दिया और बोला कि मेरे को पिक्चर बहुत पसंद आई है। अब टॉम क्रूज को अगर पिक्चर अच्छी लगी है तो मतलब मानने वाली बात है। अब मुझे पता नहीं कि सच है कि नहीं है या फिर सीधे सीधे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर टॉम क्रूज को पिक्चर अच्छी लगी है तो बहुत बड़ी बात है। अब अगर ये नहीं हुआ है तो WB वालों, फ्लैश की जो मार्केटिंग टीम है, तुमको हर पिक्चर में यही यूज करनी चाहिए थी और आगे भी करो। लेकिन इधर मार्वल वाले कुछ बहुत सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं। बेसिकली उनकी हर एक चीज चेंज होती जा रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उनके जितने भी टीवी शोज हैं वो सारे के सारे आगे खिसक चुके हैं। मैं कई बार इनको अपने रोस्टवर्स में कवर कर चुका हूं। तो लोकी का सीजन 2 जो हम जून जुलाई तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपकमिंग सून पे आ चुका है। मतलब हमें नहीं पता कि वो इस साल में कब एयर होगा। ये कन्फर्म है कि इसी साल एयर होगा, लेकिन कब ये नहीं पता। फिर इसके बाद इनका व्हाट इफ सीजन 2 जो एक्चुअली में इस साल की स्टार्टिंग में एयर होना था वो अब अगले साल शिफ्ट हो चुका है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें भी काफी सारे हेवी चेंजेस हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसा शो है जो इस साल रिलीज होने के लिए कंफर्म्ड है, उसके अलावा किसी का भी कुछ नहीं पता। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो इनकी मूवीज है उनको भी काफी आगे खिसकाया जा रहा है, और जो फेज 5 है वो भी काफी हेवी चेंजेस से गो थ्रू कर रहा है। अब देखो ये सारी चीजें सुनने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार मार्वल वाले अपनी चीजों को लेकर श्योर नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल ग्राउंड पे सोच के देखो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्वल वाले हमें अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए इन चीजों को आगे खिसका रहे हैं। जब तक वो अपने प्रोडक्ट को लेके श्योर नहीं होंगे, हमको परफेक्ट चीज नहीं देंगे, तो इट कुड एक्चुअली मीन अ गुड थिंग, राइट। एंड इसी शिफ्टिंग का एक पार्ट ये भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जा रहा है। इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर इसके बाद डीसी की तरफ से एक खबर ये है कि पेंगुइन की जो सीरीज शूट हो रही है उसमें हमें रॉबर्ट पैटिनसन का ब्रूस वेन देखने को मिलेगा, बैटमैन नहीं। मतलब इसके पीछे का लॉजिक ऐसा दिया जा रहा था कि जो टीवी शोज है उसमें बैटमैन अपीयर नहीं हो सकता, और इसके पीछे का रीजन ना बड़ा फनी सा था, और वो ये था कि बैटमैन के जितने भी टीवी अपीयरेंसेस है, मतलब टीवी पे बैटमैन के जितने भी अपीयरेंसेस है, उनकी राइट्स बेसिकली फॉक्स के पास थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब फॉक्स को खरीद लिया है डिज्नी ने, तो जिसका मतलब ये है कि बैटमैन के जितने भी टीवी अपीयरेंसेस की राइट्स है वो अब जा चुकी है डिज्नी के पास। तो मतलब आपको टेक्निकली हो सकता है कि बैटमैन डिज्नी पे अपीयर होता हुआ दिख जाए। लेकिन जेम्स गन ने इस चीज को पूरी तरह से डीबंक कर दिया लकीली, और बोला कि भाई बचपन में सिर के बल उल्टे गिर गए थे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैटमैन की टीवी राइट्स भी WB वालों के पास है और हम इसको कभी भी जब चाहे तब यूज कर सकते हैं।
तो हो सकता है कि पेंगुइन शो में हमें बैटमैन भी देखने को मिल जाए। हम कुछ कंफर्मेशन नहीं, बस बता रहा। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर ने जो मैसेज शेयर किया था फुल सर्कल वाला, उस पे पूरा वीडियो बना दिया था, इन केस आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। उसमें सारी कहानी मेंशन करी गई है, लेकिन उसकी आगे की कहानी हमको पता लग चुकी है। तो वो और कुछ भी नहीं बल्कि हमारी KLPD ही थी। मतलब वो स्नाइडर कौन है और कुछ भी नहीं, उसका मतलब यह है कि 3 दिन जो कि 28, 29 और 30 अप्रैल है, उसमें उस पूरे इवेंट में जितने भी लोग होंगे उनको जैक स्नाइडर के डायरेक्टर कट की 3 मूवीज दिखाई जाएंगी, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। इसमें कुछ स्पेशल गेस्ट अपीयर होंगे, पर्सनल Q&A किए जाएंगे और मतलब अच्छा इवेंट किया जाएगा। ये चैरिटी वाला इवेंट है और अगर गुप्त कबूतरों की मानी जाए तो इस पूरे इवेंट में WB वाले भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो जैक के साथ मिलकर वो जो पूरा रिस्टोर द स्नाइडरवर्स वाला मूवमेंट है उसको थोड़ा सा सबड्यू करना चाहते हैं और जैक के माध्यम से वो ये बुलवाना चाहते हैं कि फैन लोग थोड़ा सा अब मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं रिबेल मून में मूव ऑन कर चुका हूं तो आप भी अब मूव ऑन कर जाओ। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी इंसान फैंस को कुछ भी क्लोजर दे सकता है तो वो जैक स्नाइडर खुद है और कोई भी। फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी खबर आती है डेयर डेविल बॉर्न अगेन को लेकर। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन में पनिशर अपीयर तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोबेबली इस शो के मेन विलन हो। अब ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा क्योंकि पनिशर बेसिकली विलन तो है नहीं, हीरो है, और विलन के फॉर्म में वो कैसे अपीयर होगा मुझे नहीं पता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इन दोनों की आइडियोलॉजीज क्योंकि वैरी करती हैं तो वापस में आकर एक दूसरे से लड़ सकते हैं कुछ एपिसोड्स के लिए, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला हम लोग डेयर डेविल के season 2 में क्लैश होते हुए देख चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस पूरी चीज को दोबारा से इस वाले शो में कैसे दिखाएंगे। हो सकता है कि कुछ डिफरेंट कर दें, क्योंकि शो का मेन विलन विल्सन फिस्क है इसमें, हमको पता है विल्सन फिस्क को दिखाया है ना, तो फिर वही मेन विलन होगा, पनिशर कैसे विलन हो सकता है। हो सकता है कि शो 18 एपिसोड्स का है तो कुछ एपिसोड्स के लिए पनिशर को इसमें विलन बना दें और फिर कुछ लड़ाई-वड़ाई करवाएं, मतलब कुछ दिखाएंगे ना। जॉन मंथल का पनिशर लिया है तो उससे भी कुछ एक्शन-बैक्शन करवाना ही होगा। लेकिन हां भाई, season 2 का रिपीटेड फार्मूला नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या लगता है कमेंट बताना। और इसके बाद आती है हमारी मेन माल वाली खबर। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपसे इस बारे में बात करी थी कि ऐसा हो सकता है कि हमको थंडरबोल्ट्स में सेंट्री देखने को मिल जाए। अब उस बात का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुका है। इस रोल में स्टीवन यून को कास्ट कर लिया गया है, ये भी हमको ऑलमोस्ट पता लग चुका था और स्टीवन यून ने अब इस बात को बोल दिया। उन्होंने बोला कि जब मुझे दोबारा डायरेक्टर जेक श्रायर के साथ काम करने का मौका मिला और जब मुझे पता चला कि जो कैरेक्टर मुझे प्ले करना है और उनके इंटेंशंस उस कैरेक्टर को लेकर कितने ज्यादा क्लियर है, तब मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं था। मैं बहुत ज्यादा ड्रॉ हो गया उस कैरेक्टर की तरफ, मुझे कोई रोक नहीं पाया उसे प्ले करने से। और अगर आप लोग सेंट्री के बारे में नहीं जानते हो ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। लोग इसको मार्वल का सुपरमैन बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बेसिकली मार्वल के मून नाइट जैसा एक और कैरेक्टर है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अपने ही दिमाग में फंस के रहता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टीवन यून इसको प्ले करने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट एक्टर है। क्योंकि देखो, फिजिकली तो कोई भी स्ट्रांग बन सकता है, कोई भी मस्कुलर बन सकता है, बट इट इज एक्चुअली द मेंटल कैपेबिलिटी दैट यू नीड टू प्ले हिम, एंड आई थिंक कि स्टीवन में वो चीज है। तो लेट्स जस्ट होप कि मजा दिला दे। तो देखो, मुझे एक्टर के परफॉर्मेंस पे तो पूरा भरोसा है, बस इसकी राइटिंग और डायरेक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए। बाकी थंडरबोल्ट्स उर्फ ब्लैक विडो 2 पे एक अच्छी खासी थ्योरी है दिमाग में, उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। रोस्ट वर्स काफी लंबा बन गया आज का, बहुत सारी चीजें थी बात करने के लिए, तो देख लेना अपने हिसाब से जितना आपको लगे, टाइम्स डाल दिए हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।